कासगंज जनपद से जहां अमापुर कस्बा के एक कॉलेज रोड पर चल रहे मेले में नींबू स्पेशल सिकंजी पीने के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। कस्बा के अम्बेडकर नगर निवासी दरवेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र शिवांशु देव शनिवार की देर शाम मेला देखने के लिए मेला ग्राउंड में गया था, जहाँ शिवम जलजीरा वाले से एक गिलास जल जीरा पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। जानकारी होने पर पहुंची परिजन उसे निजी चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया। रविवार सुबह तबीयत के सुधार होने पर उसने बताया मेले में जलजीरा पीने के बाद से उसकी तबीयत खराब हुई। शिवम जलजीरा वाले के पास गए तो उसके ठेले पर एक किलोग्राम भांग बरामद हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस उसे थाने ले गई। वहीं प्रार्थी दरवेश कुमार पुत्र शियाराम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला अम्बेडकर नगर है। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई कि मेरा पुत्र रात को करीब 8:30 करीब मेला में आया तो उसने जलजीरा पिया। जलजीरा पीने के बाद उसकी हालत गंभीर हुई। डॉक्टरों के यहाँ गए, डॉक्टरों ने बताया कि इसमें कोई नशीला पदार्थ मिला है। इसकी जानकारी मिलते ही मैंने अमापुर कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने बताया चलो ठीक है पहले ट्रीटमेंट कराओ। उसके बाद में उससे जानकारी हुई, जब उसे होश कुछ आया तो बताया कि जलजीरा पिया। मैंने जलजीरा वालों सुबह देखा तो उनके पास से एक सवा किलो करीब गाय वो क्या नाम भांग बरामद की। मैंने इसकी सूचना मैंने तत्काल पुलिस को दी। पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई। क्या मांगे आपकी? मांगे कि इनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जो छोटे छोटे लड़के हैं जिनकी जो उम्र नहीं है अभी, जो जानते ही नहीं है, उनकी आदत खराब होगी, भविष्य में उनका भविष्य खराब होगा।